इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत के लग्जरी रेड क्रूजर प्राडो डबल कैबिन सर्फ जीप और इंपोर्टेड कारें 50,000 रुपए का 1,25,000 रुपए टोकन मनी के जरिए बा असर अफसरान और हकूमती शख्सियात को देने का इंकशाफ हुआ है। हकूमती शख्सियात और उनके अहले खाना FBR कस्टम्स और दीगर इफाकी और सूबाई इदारों के अफसरान के जेर इस्तेमाल गाड़ी की तादाद 18,000 जबकि मार्केट वैल्यू 10 अरब रुपए से जायद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन कार्रवाई के पेश नजर FBR हकूमती शख्सियात और सरकारी अफसरान के जेर इस्तेमाल अरबों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड और टेम्पर्ड लैंड क्रूजर्स प्राडो सब जीप कार गाड़ियां कस्टम्स वेयर हाउस में जमा करवाने की हदायत जारी कर दी गई है। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन FBR डॉक्टर तारिक गनी की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी के मुताबिक मुल्क भर की फील्ड फॉर्मेशन पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू को सर्विस को गाड़ियां फौरी तौर पर मुतल्लिका कस्टम्स वेयर हाउस में जमा करवा कर 30 अप्रैल तक सर्टिफिकेट जमा करवाने की हदायत की गई है। अहकाम पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तंबीह भी की गई है। FBR के हुक्काम के मुताबिक कस्टम्स एहलकार दो किस्म की गाड़ियां जब्त कर लेते हैं जिसमें चेसिस टेम्पर्ड और नॉन कस्टम पेड टेम्पर्ड फ्री लग्जरी गाड़ियां होती हैं। कानून के मुताबिक नॉन टेम्पर्ड गाड़ियां FBR के अफसरान किसी सूरत अपने इस्तेमाल में रखने के मजाज नहीं है। ऐसी गाड़ियां मखसूस मुद्दत में नीलाम कर दी जाती है। तमाम बाज़ अफसरान खिलाफ कानून ऐसी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में ECC से एक कमजोर पॉलिसी मंजूर करवाई गई जिसके तहत कस्टम्स डिपार्टमेंट की जानिब से पकड़ी जाने वाली टेम्पर्ड गाड़ियां FBR समेत सरकारी इदारों को फरोख्त करने की इजाजत दी गई। ऐसी गाड़ियों की सरकारी इदारों की फरोख्त और कीमत ताजुन का इख्तियार DG कस्टम्स इंटेलिजेंस और 18 कलेक्ट्रेट के कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को दिया गया है। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स ने कवायद और जवाबित में नरमी इख्तियार करते हुए शराइत पूरी न करने वाले सरकारी इदारों के नाम पर 50 लाख रुपए मालियत से 3 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियां सिर्फ 50,000 रुपए का 1,25,000 रुपए टोकन मनी के तौर पर वसूल करके हवाले कर दी है। पॉलिसी के मुताबिक सरकारी इदारों को ऐसी गाड़ियां फरोख्त करने के लिए लाजिम है कि मुतल्लिका सरकारी इदारे की जानिब से बैंक ड्राफ्ट के जरिए रकम करवाई जाए और कस्टम से गाड़ी वसूल करने के 30 जून के अंदर गाड़ी मुतल्लिका इदारे के नाम पर रजिस्टर करवा कर रजिस्ट्रेशन की नकल कस्टम्स को फराहम की जाए। इस इकदाम का मकसद ऐसी गाड़ियों को जाती और गलत इस्तेमाल से रोकना था।